तो ये निकाल लिया हमने कटोरी के अंदर। कैसे लगे चावल? बहुत टेस्टी है गाइस। ये छोटू भाई के फ्रेंड हैं तो ये दिन भर यहाँ रहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस प्रेजेंट टाइम पर आपका भाई खड़ा हुआ है। ये मामा जी के घर पर ही हूँ अभी। तो मुझे यहाँ पर 2-5 दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मामा जी और मेरी मामी जी और प्लस आशू भाई कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए। तो 3-4 दिन तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं राधे और मिष्टी हम तीनों यहीं हैं। तो फाइनली आपका भाई अब ब्लॉगिंग करेगा डेली। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज के इस ब्लॉग के अंदर हम देखने वाले हैं आज क्या बनाने वाले हैं और क्या खाने वाले हैं। तो जो भी बनेगा गाइस आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। और बस अब हम चलते हैं दूसरे वाले रूम के अंदर। कौन कौन गेस्ट हैं उनसे मिलाता हूँ आपको। तो यहाँ पर छोटू भाई हैं तो छोटू भाई से मिलवाता हूँ आपको, और छोटू भाई के कुछ फ्रेंड हैं तो उनसे भी मिलवाता हूँ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं आज क्या क्या खाने वाले हैं और क्या क्या बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, आपके भाई को दिल से सपोर्ट कर देना। बस निकलते हैं अब यहाँ से दूसरे वाले रूम के अंदर, फिर आपको किचन का सीन दिखा देता हूँ तो आज क्या बनने वाला है। तो चलते हैं अब उधर पास वाले रूम के अंदर, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ चुके हैं इस वाले रूम के अंदर और ये हमारी बच्ची तो यहाँ पे सो रही है और ये इस साइड में। तो ये यहीं रहते हैं, रहते तो पास में ही है लेकिन ये छोटू भाई के फ्रेंड हैं तो ये दिन भर यहीं रहते हैं। और आज हमारे साथ पूरे ब्लॉग के अंदर ये मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और जो भी आज हम यहाँ पर बनाएंगे खाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली ये दोनों भी हमारे साथ रहेंगे ब्लॉग के अंदर। तो ठीक है, अब उधर का सीन देखते हैं, किचन का सीन दिखा देता हूँ मैं आपको किचन के अंदर आज क्या बनने वाला है। तो ठीक है, तो आज क्या बनने वाला है पता है आपको? तो भाई आज ये इन दोनों को भी पता लग गया है फाइनली आज बनाने वाले पुलाव, देसी पुलाव। तो पुलाव की तैयारी लगभग आधी कंप्लीट हो चुकी है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब किचन में चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको पुलाव की तैयारी क्या क्या तैयारी। ये है किचन और अभी हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मिर्ची और प्याज फाइनली कट चुके हैं और ये इसमें बासमती चावल भिगो दिया पानी के अंदर। और अभी बस कुछ ही देर बाद चावल बनाने वाले हैं और खाने वाले हैं। तो आपको भी दिखाते हैं आज चावल कैसे बने हैं, तो आप वीडियो बने रहना। तो अभी कुछ ही देर बाद बस बनने वाले हैं चावल, तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये इनको पानी के अंदर भिगो दिया गया है और ये प्याज व्याज मिर्ची काटी है। तो अभी कुछ ही देर बाद बस बनाने वाले हैं चावल। ये है कढ़ाई, देख सकते हैं आप, ये है कढ़ाई और इस कढ़ाई के अंदर हम डालने वाले हैं अभी तेल, फिर तेल के बाद डालेंगे हम कटी हुई मिर्च और प्याज। तो ये देखिए आप, ये आ गई है मिर्च और प्याज कटे हुए हैं और ये कढ़ाई हमने एक चढ़ा दी है गैस पे और इसके अंदर हैं बहुत सारे गर्मा गर्म मसाले। तो फाइनली आज राधे पुलाव खिलाने वाली है हमारे को सबको। गैस चालू कर देते हैं, गैस चालू ही नहीं हो रही हो, गैस चालू कर दो माने। तो फाइनली फ्रेंड्स ये डाल दिया इसके अंदर तेल, तो ये डाल दिया तेल और अभी इसको तेल को गर्म होने दे देते हैं थोड़ी देर, इसको पकने देते हैं तेल को। फाइनल तेल के अंदर हमने डाल दिए मिर्ची और प्याज और चावल अभी साइड में रख रखे हैं ताकि पहले ये पक जाए उसके बाद ही फिर हम चावल डालने वाले हैं इसके अंदर। और अब मसाले की बारी है गाइस, तो अभी इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो गाइस अभी इनको थोड़ा बहुत हिला देते हैं, जैसे ही ये पक जाएगा तो फिर उसके ऊपर से फिर चावल डाले जाएंगे इसके अंदर। वो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, अभी इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, इसको ऐसे ही पकने देंगे। आलू भी डालेगा इनमें। तो गाइस फाइनली ये पक चुका है और इसके अंदर अब डालने वाले हैं ये चावल, ऐड कर दिए हमने। और
चावल डाल चुके हैं इसके अंदर, और ये पानी, थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर दिया है। तो ऐसे देख सकते हैं आप, ये डाल दिया इसके अंदर। अभी इसको पकने देते हैं, और जैसे ये पक जाएगा उसके बाद में खाते हैं, चेक करते हैं और बताते हैं आपको कैसा बने। फाइनली गाइस ये देख सकते हैं आप, इनको अभी खिला देते हैं। देखने में तो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं चावल हमारे। यार अगर सही मन से और सही भावना से कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये निकाल लिया हमने कटोरी के अंदर, तो अभी देखते हैं खाके बताता हूँ आपको चावल कैसे बने। विशु ले ला। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये चावल का रहा है, एक नंबर बने गाइस, एक नंबर। सूरज कैसे लगे चावल? बहुत टेस्टी है गाइस। फुल मजे ले रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये चावल बनाया था मैं, पुलाव बनाया था, तो काफी जोरदार टेस्टी और शानदार बना है, तो अच्छा लगा गाइस। तो